सुप्रभात बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त की बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है, जहां बीती देर रात पॉलिटेक्निक के छात्र और भल्लेवासियों के बीच में जमकर झड़प हुई है। दोनों तरफ से पत्थरबाजी की घटना हुई है और घंटों पूरा इलाका रणक्षेत्र में तब्दील रहा। मौके पर पहुंची पुलिस पर भीड़ ने हमला कर दिया, इसमें कुछ पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। लोगों ने पुलिस की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए हैं। आखिर में पुलिस ने उपद्रवियों पर खूब लाठियां भांजी है। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है और बताया जा रहा है कि छात्रों ने मोहल्ले के एक छात्र को बंधक बनाकर उसकी पिटाई की थी और इसके बाद मोहल्ले के लोगों ने हॉस्टल पर हमला बोल दिया। दरभंगा के डीएसपी खुद मौके पर मौजूद हैं और बंधक के बच्चे को उन्होंने छुड़ाया। और विपिन हमारे साथ फोन लाइन पर। विपिन, क्या स्थिति है फिलहाल, अपडेट क्या है? स्थिति विवेक बताऊं तो अभी शांत है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, क्योंकि कुछ छात्र को पुलिस ने रात में हिरासत में लिया था और जिसके अभी तक चूंकि सूचना छात्रों को नहीं मिला होगा, लेकिन जैसे ही पता चलेगा कि छात्र हिरासत में लिए गए हैं, छात्र उग्र होंगे। चूंकि हर एक साल वहाँ नियति है कि ये होता है, छात्र उपद्रव करते हैं, मोहल्ला वाले और छात्र के बीच में टकराव लगातार रहता है। चूंकि पुलिस इसमें सुस्त है, ये तीन दिन पहले से मामला। विपिन, ऐसे कितने हॉस्टल हैं इस मोहल्ले में, ऐसे कितने हॉस्टल हैं जहां छात्र रहते हैं? और जो आपने बताया कि परंपरा हो चुकी है कि छात्र अक्सर ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, हंगामा करते हैं, शोर करते हैं, और ऐसे में मोहल्ले वासियों को जब परेशानी होती है, जब उनसे कुछ बातचीत करने की कोशिश की जाती है तो हंगामा शुरू हो जाता है, मारपीट शुरू हो जाती है। ये पॉलिटेक्निक के छात्र हैं और ये एक कैदराबाद में एक छात्रावास है जिसमें सैकड़ों छात्र रहते हैं। बताया ये भी जाता है कि ये लीगल छात्रावास नहीं है, छात्रावास को बंद कर दिया गया था, फिर भी छात्र जो है गलत तरीके से यहाँ रह रहा है। इस पर प्रशासन सुस्त है कहीं ना कहीं, ये तीन दिन पहले से मामला चल रहा था, छोटी मोटी घटनाएं हो रही थी, लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसका कारण है कल पूरी रात जो है छात्रों ने हंगामा मचाया, जम के बवाल काटा और मोहल्ले वासी चूंकि इतने परेशान हैं। कुछ छात्रों को क्या चिन्हित किया गया है जो नेतृत्व कर रहे थे इस हंगामे को? जी, जिसमें तीन छात्रों को कल हिरासत में लिया गया था जो कि पास आउट छात्र हैं और गलत तरीके से यहाँ रह रहे थे, और वही वो तीन छात्र ही लीड कर रहे थे जिनको हिरासत में पुलिस ने लिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो पॉलिटेक्निक के छात्रों और मोहल्लेवासियों के बीच में जमकर झड़प हुई, एक साथ दो तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। तीन छात्रों को जो कि पास आउट हैं, उन्होंने इस भीड़ का नेतृत्व किया था, उन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई है। आपको भी चोट लगी है? बहुत ज्यादा। किससे मारा था? बैल था, लोहा था, हम ये बात मानते हैं कि पास आउट है, लेकिन यहाँ पे जूनियर को प्रति मार रहा था, सिर्फ इसको लेके। सूचना मिली थी कि एक दिन पूर्व में कोई पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट को कोई मारपीट किया था, उसी के वजह पॉलिटेक्निक के छात्र जो है कोई पान वाला को पकड़ करके ला करके मारपीट किए थे, जिसको लेकर के कि दोनों ग्रामीण आक्रोशित हो गए, से जिनके द्वारा पथराव भी किया गया और इन लोग को भी द्वारा भी किया गया, पुलिस आई है। उसी क्रम में आने के क्रम में जो है कि कुछ आक्रोशित लोग जो है कि पुलिस को भी छोटे थोड़ी। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि